This last lecture also introduced a very important concept, the concept of collection of variables. अभी तक हम एक एक वेरिएबल ए बी सी एम ऐसा करते थे, लेकिन अगर हमारे पास एक ही जैसे कई वेरिएबल हैं तो कैसे करेंगे? ये जो शुरू का पोर्शन था ये तो मेरे ख्याल से सिंपल है, आपको समझ में आ गया। तो ये खाली हमने ये बताया था कि जो मॉडल है अपना कंप्यूटिंग का, इसमें एक फर्क करें, सी प्लस प्लस डम्बो जो है वो सी प्रोग्रामिंग समझता है, लेकिन हम सी प्रोग्रामिंग के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। जब हम टर्मिनल पर बैठते हैं, हम टर्मिनल और कीबोर्ड लेके बैठते हैं, तो उसके पीछे जो बंदा खड़ा है वो सी प्लस प्लस नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको समझने के लिए कोई अलग कन्वेंशन है कि बूट करके एक लॉगिन आता है, आपको लॉगिन स्टेटमेंट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में एक डॉलर सिंबल आता है इस तरह से, यहाँ पे आप कमांड लाइन देते हैं कुछ, तो भी जो आप कमांड देते हैं वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, और उस कमांड के बाद में आप वापस आ जाते हैं वहीं पर, नया डॉलर सिंबल आ जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैरी आउट करती है। और आप ने अक्सर अगर कंप्यूटर्स पहले देखे होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ज्यादा बार देखी होगी, अपने अपन लिनक्स यूज करते हैं उबुंटू नाम के आपके कंप्यूटर। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम डम्बो है ये हमारे लिए फाइल्स कैबिनेट्स वगैरह ऐसे और बड़ी बड़ी चीजें बना के रखता है, खाली वेरिएबल्स वगैरह वो सी प्लस प्लस का काम। तो उसका जो मॉडल है वो ऐसा है कि फाइल्स जो है वो अलग अलग डायरेक्टरी में करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और फाइल के एक्सटेंशन होते हैं नाम और एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन से पता चल जाए किस टाइप के फाइल है। तो सीपीपी वाली फाइल होगी तो समझेगा ये प्रोग्राम फाइल है, डॉट टीएक्सटी होगी समझेगा कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई अलग अलग एक्सटेंशन के नाम से अलग अलग इसका मतलब वो निकाल सकता है। लेकिन मेन चीज ये है कि उसके पास बड़ा कैबिनेट है, उसमें अलग अलग डायरेक्टरी रखी और हर डायरेक्टरी में अलग अलग फाइलें रखी, ये उसका मॉडल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और हमारे लिए बस इतना यही है कि वो डायरेक्टरी बदल सकता है, प्रेजेंट डायरेक्टरी क्या है बता सकता है, एडिट कर सकता है, तो एडिट वो खुद नहीं करता, वो एडिटर नाम का जैसा सी प्लस प्लस डम्बो है वैसा जी एडिट नाम का एक और डम्बो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम खाली बोल देता है कि मिस्टर जी एडिट डम्बो ये इनका फाइल लेके जाओ वहां पे, और जो भी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें वो चेंज करें टेक्स्ट में उसको करो, सेव करके फिर वापस मेरे पास लेके आओ। तो आपने देखा होगा जी एडिट यानी अलग से विंडो खुलता है वो जी एडिट, वहां पे आप एडिट वेडिट करके जब आप सेव कर दोगे वापस यहाँ आ जाओगे तो एडिटेड फाइल आपको मेन डम्बो के पास मिल जाएगी। उसके बाद आप मेन डम्बो को बोल सकते हैं भाई सी प्लस प्लस से हमारा प्रोग्राम कंपाइल कर दो, एग्जीक्यूटेबल बना दो वगैरह वगैरह। ये सिंपल चीज है, लैब में आपने देख ली होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब इसके बाद हमने ये देखा था कि भाई वेरिएबल वेरिएबल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन कितने वेरिएबल यूज करेंगे? अगर हमारे पास 1000 वैल्यू है, 500 वैल्यूज है, तो वेरिएबल लिखना भी बड़ी दिक्कत का काम, कितने लिखेंगे हम? और अगर वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल है तो क्या करें? मतलब आज कोई बोलता है कि भाई 5 वैल्यूज का एवरेज निकालो, कल वो बोलता है कि 17 वैल्यूज का एवरेज निकालो, परसों मेरे जैसा शिक्षक आ जाता है बोले हमने सैंपल मार्क्स लिए तो 850 लोगों का एवरेज निकालो। तो ये अलग अलग हर चीज के लिए तो अलग प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता, और चूंकि वो हर कोई एवरेज निकालने की बात कर रहा है तो जो वैल्यूज है 50 है 17 है 20 है वो एक ही टाइप की वैल्यूज है, इतना तो बताए, सबके सब इंटीजर होंगे, सबके सब फ्लोटिंग पॉइंट होंगे। तो अगर ऐसा कलेक्शन अगर मेरे पास है तो मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए कि उस कलेक्शन को मैं एक ही नाम से संबोधित कर सकूं, मुझे वेरिएबल v1 v2 v3 ऐसा न लिखना पड़े। इसके लिए एक एरे नाम का कंसेप्ट लिया है। ये जो पहली की स्लाइड थी इसमें खाली ये बताया था कि कैसे हम निकालें, 3 नंबर के मैक्सिमम निकालना है तो हम v1 v2 v3 कर सकते हैं, उससे मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अगर 4 नंबर से मैक्सिमम निकालना है तो ऐसे कर सकते, 5 करना है तो हम बढ़ाते जाओ लाइन से, तो हनुमान की पूछ की तरह हमारा प्रोग्राम बड़ा बड़ा होता जाएगा। और उसमें वेरिएबल कोई हम नहीं लिख सकते कि आज 17 कल 25, ऐसे नहीं कर सकते हम, जितने हैं उतने वेरिएबल उतने की एवरेज निकलेगी। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बढ़िया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं एरे, और हमारे अपने वेक्टर बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एरेज काम में आते। तो जब मल्टीपल वैल्यूज हैंडल करनी हो उसके लिए एक नोटेशन है एरे नोटेशन, और उसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जो दराज में जो अलग अलग वेरिएबल थे आज तक हमने देखे A1, A2, A3, A4, A100 जो भी हैं, और अगर मुझे ऐसी वैल्यूज अलग अलग लिखना है तो मुझे इस पूरे कलेक्शन का ये जो वेक्टर है, इस कलेक्शन को जो हमें एरे कहेंगे, तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन चाहिए इस सबका नाम एक ही हो, लेकिन कोई ऐसी सुविधा हो कि मैं बोलूँ कि इस नाम का पहला नंबर, इस नाम का दूसरा नंबर, इस नाम का तीसरा नंबर। ये सिंपल फैसिलिटी जो है वो एरे ने मुझे दी। तो ये एरे की फैसिलिटी जो है वो ऐसी आती है कि ये एरे है,
जिसका नाम है ए, और खाली ए के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर जीरो लिख दूं तो ये जीरो नंबर का दराज, वन लिख दूं तो वन नंबर का दराज, टू लिख दूं तो टू नंबर का दराज, इससे भी ज्यादा अगर मैं मेरे प्रोग्राम में ए आर लिख दूं तो जो भी आई की वैल्यू होगी उस नंबर का दराज। अब देखिए मुझे कितनी सुविधा हो गई, मेरे वेरिएबल तो होगा 100, अब मुझे 50वां वेरिएबल चाहिए तो मैं लिखूंगा ए 50। और अगर मुझे इन सबके ऊपर से इटरेशन कंस्ट्रक्ट करना है और जनरिकली मुझे किसी एक दराज का नाम लिखना है तो मैं लिख देता हूं ए आई। अब ए आई का ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आई की कोई वैल्यू रहेगी। अगर आई जीरो है तो ए आई मतलब ए जीरो, अगर आई 50 है तो ए आई मतलब ए 50। अब ये कितनी बड़ी सुविधा हो गई कि एक नाम के मुझे 100 दराज मिल गए, और दराज नंबर 0, दराज नंबर 1, दराज नंबर 2 जो है वो इंडेक्स से डिफाइन होंगे, और वो जो इंडेक्स है वो वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे यहां लिखा ए आई या ए जे माइनस। अब इसका फायदा क्या है, चूंकि मैं इटरेशन जानता हूं, चूंकि मैं जानता हूं कि इटरेशन में मैं कोई वेरिएबल देके उसकी वैल्यू चेंज करवा सकता हूं 0, 1, 2, 3, 4, तो ऐसा जेनरिक अगर मुझे कोई मेथड मिल गया कि एक बड़ी आरे है उसमें किसी भी एलिमेंट में मैं देख सकता हूं, रख सकता हूं वैल्यू, तो मेरे को बड़े बड़े प्रोग्राम्स छोटे इसमें लिखे जा सकते हैं, 1000 स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, 5000 स्टेटमेंट लिखने की जरूरत। ये एरे का एक सबसे बड़ा महत्व है। सो एरे इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स पुट इन लार्ज नंबर्स। तो इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर एन नंबर में से मैक्सिमम नंबर निकालना है मुझे, तो मैं पहले एक इटरेशन एग्जीक्यूट करता हूं, ये एन नंबर्स में एक एरे में पढ़ लेता हूं। तो एरे मैंने कैसे डिफाइन किया, देखिए इंटीजर ए 100, इसका मतलब एक एरे है उसमें 100 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट के एड्रेस कैसा होगा, A0, A1, A2, A99। अब उसके बाद मैं अंदर जाता हूं, i=0 से शुरू करता हूं, इस इटरेशन में खाली एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक नंबर पढ़ लो, लेकिन पढ़ के कहां रखो, नॉर्मल में कहता था A, B, C, D, X, Y, whatever, अब मैं कह रहा हूं उस नंबर को पढ़ के ए आई में रखो। ए आई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आई की चूंकि वैल्यू है इसलिए ए आई का मतलब, शुरू में आई की वैल्यू रहेगी 0, तो पहला नंबर आएगा A0 में रखो, दूसरा आएगा A1 में रखो, तीसरा आएगा A3 में रखो। देखिए केवल एक स्टेटमेंट में मैंने कंप्यूटर को हिदायत दे दी कि एन नंबर्स पढ़ के एन अलग अलग लोकेशंस में रख दो, मेरी एरे तैयार हो गई। अब उस एरे के ऊपर मैं मैक्सिमम निकालता हूं, तो पहले आर्बिट्रेरी मैंने तय कर लिया कि भी पहला नंबर है वही है मैक्सिमम। अब मैं इटरेशन लगता हूं कि पहला नंबर तो मैंने रख लिया, अब i=1 से लेके n-1 तक हर एक में दराज खोल खोल के देखूं, कोई भी दराज में अगर नंबर इससे बड़ा मिल गया तो मैक्स की जगह मैं उस नंबर को लिख दूंगा। तो मैंने कागज में मैक्स लिख रखा है और एक दराज खोल खोल के देख रहा हूं, किसी भी दराज में इससे बड़ा नंबर मिल गया तो ये काट के मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूं, आगे चलता जाता हूं। इस तरह से मैं पूरे जब दराज देख लूंगा तो मेरे कागज में जो भी नंबर होगा सबसे बड़ा होगा। तो ये सिंपल फॉर्म, ये सिंपल एल्गोरिथम है इसका कि एक मैक्स शुरू कर दो आप A0 से, पूरी आरे देखते जाओ, A1 देखो, A2 देखो, A3 देखो, और अगर कोई भी नंबर मैक्स से बड़ा निकले तो वो नंबर मैक्स में डाल दो आप, ऐसे करते जाओ। तो इस तरीके से इटरेशन बगैर एरे के कंसेप्ट के लिखना संभव नहीं, इसलिए एरे की जरूरत। आगे हम देखेंगे इस कोर्स में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए जा सकते हैं जिससे प्रोग्रामिंग में बड़ी सुविधा हो जाती है। एरे इज एन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इसमें मैंने फिर एक प्रोग्राम दिया था कि एरे एक बड़ी है, इसको हम आगे मंडे को और आगे एक्सपांड करेंगे जब हम कैरेक्टर स्ट्रिंग्स देखेंगे, तो आप कैरेक्टर स्ट्रिंग किस तरह से, नाम किस तरह से स्टोर करे जा सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा था कि भाई खाली अगर हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं तो रिकॉर्ड्स किस तरह से पढ़े जा सकते हैं, किस तरह से एरेज में स्टोर किए जा सकते हैं और किस तरह से प्रोसेस किए जा सकते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि रिकॉर्ड का सिंप्लीफाई क्या था, हर रिकॉर्ड रोल नंबर, मार्क्स, नाम, हॉस्टल, रूम वगैरह होने की जगह खाली रोल नंबर और मार्क्स का रिकॉर्ड है इस तरह। तो ऐसे रोल नंबर दिया, मार्क्स दिया, रोल नंबर दिया, मार्क्स दिया, रोल नंबर दिया, मार्क्स दिया, ऐसे मान लीजिए पूरे क्लास के 850 लोगों के दे दिए हमने। भाई आपकी परीक्षा लेने के बाद हमें भी तो एवरेज कैलकुलेट करना है ना, कैसे करेंगे, हाथ से करेंगे तो मर जाएंगे, उसी डम्बो को यूज करेंगे। तो उसके लिए आपके मान लीजिए हमने, हमारे टीचिंग असिस्टेंट ने बना दिया रोल नंबर नाम ऐसे रिकॉर्ड बना दिए, हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि वो सब पढ़ ले रोल नंबर और मार्क्स और एवरेज निकाल के बता दे,
या मैक्सिमम निकाल के बता दे या मिनिमम निकाल के बता दे। तो इसके लिए जो प्रोग्राम है, ये देखिए ये लिखा है, ये रीड रोल मार्क्स नाम का प्रोग्राम लिखा। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, ये रोल नंबर मार्क्स डिफाइन करता है और एक फाइल ओपन करता है रोल मार्क्स डॉट टेक्स्ट नाम की, और इस फाइल में से वो पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है। अब हमने ये कहा है उस समय कि इस वक्त आपको फाइल के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये फाइल क्या चीज है, कैसे खुल रही है, कैसे बंद हो रही है, कैसे पता चल रहा कि खत्म हो गई, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको इंटरेस्ट हो तो ये प्रोग्राम जरूर पढ़िए, बस सोचते रहिए कि ये सारा चक्कर क्या चल रहा है, लेकिन इसको आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है आपके अगले लैब के लिए हम लिख के आपको दे देंगे कि भाई आप जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो जो भी फाइल होगी, डेटा फाइल अगर इस तरह से बनाई गई है, उस फाइल में से डेटा आके आपके अरेज में टिक जाएगा। अब आपकी अरेज भर गई, उसके बाद आप अपना प्रोग्राम लिखो उस अरेज के ऊपर काम करने का। तो ये मकसद था ये प्रोग्राम देने का। तो इसलिए ये प्रोग्राम पोर्शन आपको समझ में पूरा ना आए तो भी कोई बात, खाली इतना समझ ले कि इस प्रोग्राम का जो मतलब है वो ये है कि रोल और मार्क्स मैं किसी फाइल में से पढ़ लूंगा और मेरे अरेज में डाल दूंगा। इतना होने के बाद में जो मेरा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो रीड रोल मार्क्स डॉट सीपीपी मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो इस तरह से ये आता है। ये कुछ नहीं है, ये एरे का पॉइंटर है, जीरो एलिमेंट में एक एरे में मैंने रोल नंबर रखा है, एक एरे में मैंने मार्क्स रखे, और ऐसे में पढ़ता गया, और मैंने कितना पढ़ा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज एरेज इज 7, मैंने 7 रोल नंबर। ये खाली चेक करने के लिए मेरा प्रोग्राम ठीक चलता है। जो एक्चुअल प्रोग्राम मैंने डिस्क्राइब किया था वो ये क्या था कि मैक्सिमम मार्क्स ढूंढो। तो मान लो कि ऐसे दो एरेज में आ गए आपके रोल नंबर और मार्क्स आ गए, कुछ भी एग्जीक्यूट करके डम्बो ने लेके आ गया। अब आपके पास दो एरेज है, उसमें मैक्सिमम नंबर आपको ढूंढना है, तो कैसे ढूंढने। तो जो मैक्स का जो स्टेटमेंट आपने लिखा था, मैक्स इज इक्वल टू v1, इफ v2 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू v2, इफ v3 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू v3, इसके जगह आपको एरे यूज करना है। तो ये सिंपल हो जाता है। ये जो प्रोग्राम लिखा है इसमें मैंने एरे डिफाइन कर दी 100 और 100 एलिमेंट्स की, रोल और मार्क्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफाइन कर लिखा, जरूरी नहीं कि 100 स्टूडेंट्स, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हाँ, 105 हो तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि डम्बो ने खाली 100 एलिमेंट्स के लिए जगह रखी है, 105 की जगह नहीं। ये मेरी जवाबदारी कि 105 ना हो। और मैंने ये जो फंक्शन लिखा था मैंने गेट डेटा, जो पहले जो अपन ने देखा कि अपने को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो गेट डेटा फंक्शन एग्जीक्यूट करने से एक फाइल पढ़ लेगा, उसमें जो रिकॉर्ड से पढ़ लेगा, और रिकॉर्ड के रोल नंबर एक आरे में डाल देगा, मार्क्स दूसरे आरे में डाल देगा। अब उसको मैं एक और एडिशनल यूज कर रहा हूं कि मार्क्स और रोल तो वो आरे में डाल दे, लेकिन कितने रिकॉर्ड पड़े, स्टूडेंट कितने थे, 25 थे, 50 थे, ये जो है वो वैल्यू रिटर्न करे फंक्शन की। वो हमने देखा फंक्शन कैसे वैल्यू रिटर्न करता है। तो गेट डेटा नाम का जो फंक्शन है वो न केवल रोल और मार्क्स की एरेज भरता है, लेकिन इसके अलावा ये भी बताता है हमें कि कितने स्टूडेंट्स, 25 होंगे तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 25 रिटर्न करेगा, 57 होंगे तो 57 करेगा, और वो वैल्यू आके हम कहां ले रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स। यानी ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद न केवल मेरे एरेज में वैल्यू आ गई, एन स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में अब कितने स्टूडेंट की वैल्यू आ गई ये भी मुझे पता चल गया। तो ये उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से ये मेरा काम हो गया। अब जैसा मैंने कहा कि वो फंक्शन कैसे चल रहा था, फाइल कैसे ओपन हुई वगैरह हम बाद में देखेंगे। ये फंक्शन आपके इस तरीके से फंक्शन अगले लैब के लिए आपको दिया जाएगा लिखा हुआ, ये फंक्शन आप यूज करके फाइल भी हम देंगे सैंपल फाइल, लेकिन आपको ये देखना है कि इस फाइल को यूज करके आप फिर क्या अलग अलग चीजें कर सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, बेस्ट 2 निकाल सकते हैं, बेस्ट 3 निकाल सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि भाई ऐसे एरे दिए 850 लोगों के, 850 लोगों के मार्क्स इतने आए, अब इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करो। क्यों डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करो, अल्टीमेटली मुझे आपको ग्रेड देनी है, तो ग्रेड में कहीं कट ऑफ होंगे, इसके ऊपर AA, इसके और इसके बीच में AB, इसके और इसके बीच में BC, वो मैं कैसे निर्णय करूंगा, तो मेरा वो लिस्ट चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में। तो आप अगले 2 हफ्तों में अपन कंप्यूटर से सॉर्ट करवाएंगे यार, हमें मालूम नहीं सॉर्टिंग कैसे होता, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए कैसे निकाला मैक्सिमम, मार्क्स 0 ले लिया, उसको मैक्सिमम लगा दिया, फिर यहां पर लिखा आई इक्वल टू 1, आई लेस देन n स्टूडेंट्स, आई प्लस प्लस, क्या कर रहा हूं मैं, मार्क्स आई को देख रहा हूं, मैक्स से बड़ा है मैक्स में वो डाल रहा हूं। ये तो बिल्कुल सिंपल है,
ये पता चल गया मुझे। बस ये देखिए कि ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है इटरेटिवली कितनी सिंपल है लिखना। अब ये जरूरी नहीं कि एरे 100 नंबर की हो, 10,000 की भी हो तो भी यही प्रोसीजर चलेगा। खाली मुझे एरे डिक्लेरेशन ठीक से करना पड़ेगा कि भाई 100 नहीं है 10,000, ठीक है। ये एक फंक्शन था गेट डेटा जो मैंने अलग से लिखा था। जैसा मैंने कहा इसको आपको समझने की जरूरत नहीं क्या कर रहा, लेकिन पढ़िए जरूर, मजेदार चीज है। फाइल क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने कहा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कैबिनेट रहता है, डायरेक्टरी रहती है, डायरेक्टरी में फाइल्स रहती है, तो ये फाइल कहीं तो भी वहां होना चाहिए। और ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, वो फाइल ओपन करेगा, उसमें से रिकॉर्ड पढ़ेगा, रिकॉर्ड की पहली वैल्यू इधर डालेगा, दूसरी वैल्यू इधर डालेगा, फिर आरे को आगे बढ़ाएगा, इस तरह से पूरी वैल्यूज पढ़ ले। आगे अपन फाइल के ऊपर भी काम करने वाले हैं इस कोर्स में। ये जरूरी नहीं कि फाइल में खाली वैल्यूज हो, नाम हो। तो मान लीजिए 850 लोगों के नाम मेरे पास आ गए और मुझे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, ये भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है। खाली नंबर की जगह मुझे नाम कंपेयर करना। अब अगले हफ्ते में अपन जब कैरेक्टर स्ट्रिंग देखेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे। आज की तारीख में ये मैंने आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया है प्रोग्राम रोल नंबर और मार्क्स का, जिसमें सब रोल नंबर न्यूमेरिकल है। आप में से कई लोगों के रोल नंबर में डी लगा हुआ है, अब वो रोल नंबर आप यहां देंगे तो डंबो की खटिया खड़ी हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा क्या करूं इस डी का, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कहेगा एरोनियस वैल्यू। तो उसको क्या करना अपन देखेंगे आगे, उसको कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे देखें। बट आर यू क्लियर ऑन दिस बेसिक नोशन ऑफ एरेज, यहां तक हमने पढ़ा। सो थैंक यू वेरी मच।